रायपुर के खरोरा के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। स्वर्गीय राम प्रसाद देवांगन कॉलेज जाएंगे मुख्यमंत्री और जो नव निर्मित भवन बना है उसका लोकार्पण करेंगे। खरोरा रवाना होने से पहले उन्होंने बयान भी दिया और विष्णुदेव साय के बयान पर मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि 15 साल तक वो लोग क्या कर रहे थे, तबादला व्यवस्था सुधारने के लिए किए जाते हैं, बीजेपी को रात को सपने में भी पैसा दिखाई देता है। शंकर शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल जी की जयंती, उन्हें नमन करते हैं और साथ ही आज खरोरा में कार्यक्रम है महाविद्यालय का और किसानों से खेत मुलाकात भी है। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो सूखा को लेकर के आपने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं। जिन तहसीलों में सूखा हो उसकी रिपोर्ट मंगाया गया है, नजरी सर्वे करके देखें। अभी वैसे बरसात की संभावना तो बनी हुई है लेकिन फिर भी नजरी सर्वे कर लेना ही उचित है। तो सरगुजा संभाग के कुछ जिले और तहसील ज़्यादा हैं वहाँ, और एक दो दूसरे तहसील भी हैं जहाँ कम बारिश हुई है, उसके सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ है। ये तबादला नीति को मंजूरी मिल चुकी, तबादला नीति को विपक्ष आरोप लगा रही कि पैसा कमाने के लिए सरकार अभी निर्णय ले रही इतने सालों के बाद। 15 साल तक क्या करते रहे वो? ट्रांसफर पैसा कमाने के जरिए है कि व्यवस्था सुधारने का? इनको रात में भी वही पैसा दिखाई देता है, सपने में भी, क्योंकि 15 साल वही करते रहे, जो करते रहे वही बता रहे हैं लोग। सर अब कह रहे थे सूखे को लेकर के देर हो गई है, सरकार देर से कदम उठा रही। अभी तो अब 15 अगस्त भी नहीं आया, अभी अगस्त महीने की पहले तारीख को यदि घोषित किए तो इसमें अभी तो 15 अगस्त तक के भी पानी गिर जाए तो फसल धान का फसल हो जाता है। लेकिन इसके पहले विष्णुदेव साय ने एक बार भी बात नहीं की, जबकि जसपुर सूखा में पानी कम गिरा है।